सरकार गर्मी को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आती है, लेकिन हकीकत का नजारा कुछ और ही है। ऐसा ही मामला नरियावली विधानसभा के ग्राम लेहदरा गांव का है। यहां के रहवासी पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। यहां के रहवासी कई बार कलेक्टर ऑफिस में हो या यहां के जनप्रतिनिधियों को शिकायत करने के बाद सिवाय आश्वासन के कोई नहीं मिलता। साथ ही समस्या दिन पर दिन बढ़ती गर्मी की वजह से विकराल होती जा रही है। इस शिकायत को लेकर गांव के लोग सागर कलेक्टर जन सुनवाई में भी आए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जब आज मीडिया की टीम गांव में पहुंची तो नजारा कुछ और ही मिला। यहां गांव के साथ साथ यह एक स्कूल है जहां पर बच्चे अपनी बोतल में पानी लेकर आते हैं और जब पानी की जरूरत होती है तो बच्चे पानी के लिए दर दर भटकते नजर आते हैं। यहां जब सरपंच से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि कलेक्टर या विधायक जहां जाना हो जाओ, हम निपट लेंगे। अब जब यहां के जन प्रतिनिधि ऐसा होंगे तो जनता का भला कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया 9 सागर से अभिषेक रजक की रिपोर्ट। मशीन खराब हो गई। कहां से भरते अभी आप लोग? इस गांव की संख्या कितनी हो गई, कितने लोग यहां पे मतलब परेशान है? 500 आदमी है परेशान। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत सरपंच वगैरह से नहीं की? कछु नहीं हो रहा है को। 8 दिन से जड़ो ही निकली। पीछे भी फिर नकार फिर डार हैंगे। लाल पानी करता है ना, करता ही नहीं है। फिर आप लोग अभी पानी कहाँ से ला रहे? जवाबदार नहीं, ऊपर पानी नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी विजय जोशी। किस समस्या को लेकर आप लोग सागर कलेक्ट्रेट ऑफिस गए? जल संकट। क्या समस्या है पूरा बताएं जी। हमारे पूरे गांव के अंदर मात्र एक बोर है जिससे पूरे गांव की समस्या हल नहीं होती है। एक ड्रम करीब 5 मिनट में भरा जाता है। यदि 24 घंटे भी बोर चलता है तो पूरा गांव पानी नहीं हो पाता है। यहां पे कितने वोटर होंगे और जो वोटरों की संख्या के अलावा यहां पे कितनी व्यवस्था की गई है सरपंच की तरफ से? सरपंच की तरफ से एक यही बोर किया गया था, वो भी पिछले वर्ष, और लेकिन उसमें पानी नहीं है। और वोटर करीब यहाँ पर 500 से 600 होंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जो मुद्दों को सरपंच अपने लेके गांव में आए होंगे, किन मुद्दों को लेकर आए होते? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, पानी का। और भी चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव फिर से आ गए, समस्या वही विकराल है। हाँ। फिर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? अब एक्शन को क्या है, अब क्या करें आप स्वयं बताएं। हमारे लिए तो मात्र एक समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या पानी की। क्या है, कोई भी लोग मजदूरी नहीं कर पाता, और कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मजदूरी है। अब मजदूरी करें या पानी भरें? सरपंच का क्या कहना है इस मुद्दे पर? सरपंच का कुछ भी नहीं कहना, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता। जैसे जाते भी हैं करवा देंगे, कभी किसी भी प्रकार से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता। हमारा नाम है रेखा यादव। क्या समस्या है आप लोगों को? हमारे यहाँ ये समस्या है, यहाँ पानी की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारी शादी 20 साल हो गई हैं, हम बहुत दूर से पानी लाते हैं। हम गरीब आदमी होकर हमने होदी बनवाई, होदी को पानी क्या हमारे रोज को पियेंगे? आपके यहाँ जो सरपंच यहाँ चुनाव लड़ते होंगे? हाँ। वो वादे करते होंगे। हाँ। जो मुद्दे लेके आपके मैदान में आते होंगे। आप 20 साल का बता रहे हैं। हाँ। तो 5 साल की बात अगर कर लें तो 5 साल के अंदर सर, क्या? 5 साल क्या, जब 20 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में क्या कर देंगे? क्या कहना है सरपंच के? बोलते हैं गंगा बोएंगे लेदरा में, गंगा बोएंगे लेदरा में, सब हैदर ही पर है। आप क्षेत्रीय विधायक से आप लोगों ने बात की? क्षेत्रीय विधायक से बात किया आप लोगों ने? सर हम क्षेत्रीय विधायक का नाम जानते हो ना? नहीं जानते हैं सर, गरीब आदमी अब क्या करें?